ड्राइवरों की हड़ताल ने आम जनता को बहुत प्रभावित किया है। पिछले दिनों से आम जनता को पेट्रोल के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। इस प्रमुख विषय को लेकर राजनांदगांव जिला पंचायत सीईओ ने प्रेस वार्ता की। सीईओ ने बताया कि कुछ दिनों से पेट्रोल कर्मी की अफवाह फैली हुई है। राजनांदगांव जिलों में 108 पेट्रोल पंप है, जिसमें से 38 पेट्रोल पंपों में थोड़ी बहुत कमी हो गई है। पेट्रोल और डीजल की और बाकी में पर्याप्त मात्रा में है। ये सेंट्रल डिपो रायपुर से सप्लाई होता है, जिसमें हमारे पास कल रात 8 गाड़ियां सप्लाई हुई थी। कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह फैली हुई है जिले में। हमारे राजनांदगांव जिले में कुल 108 पेट्रोल पंप है, जिसमें से 38 पेट्रोल पंप में थोड़ी भले कमी हो गई है पेट्रोल और डीजल की, बट बाकी में पर्याप्त मात्रा में। ये सप्लाई होता है, एक सेंट्रल डिपो रायपुर से सप्लाई होता है, जिसमें कल रात में हमारे पास 8 गाड़ियों का सप्लाई आया है और आज भी वहाँ से 12 गाड़ियाँ रवाना हुई हैं। तो हमारे पास 23 डीलर गाड़ियाँ हैं जो कि ये सप्लाई करेंगी, तो निरंतर इनसे पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है और ये थोड़ी बहुत जो कमी है वो भी पूरी से भरपाई की जा सकेगी। इसे पैनिक बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ ज्यादातर पेट्रोल पंप में पर्याप्त डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है।